welcome back to my channel. It's part 2 of my birthday vlog. And जैसा कि आप लोगों ने लास्ट में सुना होगा कि हम जा रहे हैं अयोध्या के लिए. सो या दैट इज़ वी आर गोइंग. और हम सब रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, आपने जैसा भी देखा होगा क्लब में. और बस अब हम निकल रहे हैं अयोध्या के लिए. सब सामान हम इसमें रख रहे हैं. द थिंग, दिस इज़ अ ट्रैवलर बस जिसके अंदर हम सब रखेंगे. ओके, ये इसके कारण हम देख नहीं पा रहे, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड हम इसमें ट्रैवल करके फुल फैमिली जाएंगे अभी अयोध्या. सो लेट्स गो. हेलो गाइस, सारे लोग अंदर जा चुके हैं, हम लोग भी चला जाए. पीगो जय श्री राम, जय श्री राम. हम लोग यादव होटल आ चुके हैं गाइस. यादव होटल फेमस. चलो गाइस, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे. लेट्स गो. यार अयोध्या का जो माहौल है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ. यू रियली नीड टू गो देयर एंड सी इट फॉर योरसेल्फ. मतलब मेरा जो दिल लगा है ना इन, मतलब बस 2 दिनों में अयोध्या में, आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर इट. फ्रॉम द रोड टू द फूड टू द टेम्पल टू द एनवायरमेंट, एवरी सिंगल थिंग is worth your time there. The roads were so nice. बहुत ही अच्छा experience रहा. बहुत ज़्यादा मैं vlog नहीं कर पाई, but जितना भी किया I just feel so blessed कि मैं उसे बार बार देख पाऊँगी and I can, you know, be happy about it. Hi guys from Ayodhya. We are finally in Ayodhya and आज तो हम राम मंदिर नहीं जा रहे दर्शन के लिए, because my birthday is tomorrow. So I made sure कि हम दर्शन के लिए तो कल जा रहे हैं, बट उसके अलावा जो बाकी मंदिर हैं यहाँ के फेमस, आज हम वहाँ पे जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश वगैरह होकर, और वहाँ दर्शन करेंगे. एंड दिस इज आवर रूम, आप देख लो एक बारी. ओके, दैट इज मी, टायर्ड मी. दिस इज द मिरर, दिस इज द बेड. या ये बाहर का व्यू देखो यार, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है. मतलब अभी तो यहाँ पर, एंड दिस इज द वॉशरूम एरिया. तो यार काफ़ी बढ़िया सा रूम भी मिल गया हमें. थोड़ा देर आराम करते हैं हम सारे मिलके, फिर मिलते हैं मंदिर के लिए. चलो बाय. हाय गाइस, सो वी आर ऑल ड्रेस्ड अप एंड सब फ्रेश फ्रेश हो के, रेडी वेडी हो के, खा पी के सब तैयार हैं. अभी हम जाएंगे दर्शन करने टू डिफरेंट टेम्पल्स. एंड मुझे नहीं पता वहाँ पे फ़ोन अलाउ है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट अगर हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी, नहीं हुआ तो इट्स ओके, आप लोग आके देखना. But yeah, that is going to be what I'll do like in today. And yeah, I'll keep you guys updated जहाँ जहाँ हो सका. So yeah, that's it for now. आगे बताइए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? तुलसी उद्यान. तुलसी उद्यान जा रहे हैं हम. तुलसी उद्यान जा रहे हैं, वहाँ से ज्योति भवन जाएंगे, वहाँ से जो रामा जी महाराज बनवाए थे जो हमारे गाँव के हैं. अच्छा. और फिर सरजू जी का आरती देखने जाएंगे हम. अभी हम लोग लेकिन तुलसी उद्यान जा रहे हैं ना. और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से हनुमानगढ़ी जाएंगे. हनुमानगढ़ी तो जाना है, हनुमानगढ़ी का आरती देखना है. और आज हम लोगों का यहीं तक का रहेगा सफर. राम मंदिर तो कल जाएंगे, बता दिया. राम मंदिर. So I couldn't vlog a lot, but whatever I did, it's just to tell you guys कि मैंने कितने सारे मंदिर घूमे and the experience was surreal, I must say. I mean you can look at the road, it is full with people and the vibe is so nice. I mean भाई, you should go to Ayodhya. I'm just promoting Ayodhya since then. By the way, this is Ramaji. Ramaji
वॉज अ भक्त ऑफ राम जी एंड रामा जी हमारे गांव में रहते थे हमारे ही घर पर. सो वी प्रे टू हिम एंड हम इनके भी मंदिर गए थे, मतलब जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे भी हम गए थे. सो वी यू नो वी saw a lot of pictures of him and look at the street. Oh my god, so beautiful. Everything was so nice. This is obviously the Lata Mangeshkar Chowk. And then aage hum jab badhe, so we also found this Suraj Kund jahan pe laser show hota hai every evening. So we enjoyed that as well. Suraj Kund is the place jahan pe diya wagaira ko jalaya jata hai on the Diwali. So this is a place you can now enjoy. ध्यान से पकड़ के, हाथ में पकड़ के आराम से. लीजिए दीपक ऊपर चढ़ा लीजिए मैम. नहीं वो है साथ में, पैसा मांग लो ना पापा से, मांग के ले आओगे ऐसा नहीं, चढ़ा लीजिए पैसा बांध लो आराम से मैम. फोटो लो बाबू जी, कितना दे रहा है, कितना रुपया है? 20 रुपया. एक और दीजिए, आरती कर दे रहे. So that was about the Suraj Kund and the laser show. And after that, we went to Hanumangadi. और वहाँ पे हमने प्रे किया एंड द एक्सपीरियंस अगेन वाज सो 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 नाइस. वहाँ पर देयर वाज आरती दैट वाज गोइंग ऑन एंड आई वाज सो लकी. आई मीन बोथ द डेज, राम मंदिर जब हम गए थे वहाँ पे भी एंड हियर आल्सो, मतलब आरती लिटरली मेरे सामने आ गया एंड मैंने आरती ले ली एकदम सामने, लाइक आई वाज इन द फ्रंट. सो या दैट वाज लाइक अ वेरी लकी एंड अ क्यूट मोमेंट फॉर मी. एंड राम मंदिर के दिन आल्सो, लाइक व्हेन वी वेंट टू यू नो राम मंदिर, उस दिन भी काफ़ी क्यूट चीज़ हुई मेरे साथ. सो या आई विल टेल यू दैट आगे में. ओके सो नाउ दिस इज मी हैविंग चाट. इट वॉज सो डिलिशियस बाय द वे. सो हम सब मंदिर घूम कर ये चाट खाएं फिर चले गए अपने होटल में. हाई गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग. टुडे इज द 12th of March, माय बर्थडे. और कल हम सब मंदिर वगैरह दर्शन करके आके थक गए थे तो हम सब सो गए थे. और अभी हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने. दिखाओ, और भी लोग हैं बाकी दो ई रिक्शा पे, और भी लोग हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने. और अगर अंदर फोन अलाउड हुआ, वैसे तो हमने सुना नहीं होगा, बट इन केस हुआ तो जरूर आपको क्लिप्स दिखाऊंगी, वरना जितना पॉसिबल हो उतना दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड. मैं भी तो राम मंदिर वाले दिन क्या हुआ? राम मंदिर वाले दिन ये हुआ कि राम जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और बोला कि जहाँ से मिनिस्टर वगैरह, मतलब कि एकदम सबसे आगे से दर्शन कर पाते हैं मिनिस्टर्स, वहाँ पे आ जाओ तो यू नो और आप वहाँ से दर्शन कर सकते हैं. एंड दैट रियली हैपेंड विथ मी. मतलब कोई और नहीं मेरे फैमिली में से, इट वॉज जस्ट मी हु वॉज अलाउड टू गो देयर इन द फ्रंट एंड प्रे. एंड दैट वॉज द लकीएस्ट थिंग दैट हैपेंड विथ मी एंड आई जस्ट लव्ड इट. अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, बट देयर वॉज सम पीपल विथ फ़ोन, तो हमने उनसे बोरो करके वी जस्ट क्लिक पिक्चर्स एंड देन प्रे वगैरह करके फिर हम आए, चाट वगैरह खाएं. फिर मैं चली गई, चेंज वगैरह किया और मैं निकल गई बैक टू दिल्ली एंड दैट्स इट.